अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, आज हम लोग कुछ सरप्राइज करने वाले हैं। मीन्स आज किसी का बर्थडे है और उनको हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज देने के लिए। सो चलिए, मेरे वीडियो को आगे देखते रहिए। पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग का क्या प्लान है और किसका बर्थडे है और कैसे सरप्राइज करेंगे। सो चलिए आगे। तो गाइज, हम और जोया जा रहे हैं और हाशी भी हमारे प्लान में है, लेकिन वो ट्यूशन गया हुआ था तो उसे इन्फॉर्म हम लोग कर दिए हैं। एक्चुअली उसका वैस का बर्थडे 14 को था, लेकिन हम लोग 14 को नहीं जा पाए क्योंकि जोया का ट्यूशन में उसका टेस्ट था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, 14 नहीं तो 15 को जाएंगे, क्योंकि 14 को उसका बर्थडे था। उस दिन सरप्राइज़ देते, उस दिन उसके घर जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी और 14 को जा भी नहीं पाते, तो इसलिए हमने बोला चलो 15 को ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, छोटा सा सरप्राइज़ दे देंगे उसे। सो हाशु ट्यूशन गया हुआ है, उसे कॉल करके बता दिए सारा कुछ कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो वो ट्यूशन से आएगा तो फिर हम लोग को वो ज्वाइन करेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं केक के शॉप में। आप लोग पूछेंगे कि ये रूट में क्यों, मतलब हमें हर वीडियो में मेरा इसी रोड का ज़्यादा वीडियो रहता है क्योंकि मैं बाहर से नहीं जाते, बाहर से बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अंदर से शॉर्टकट ले लेती हूँ, मार्केट के अंदर से मैं निकल जाती हूँ। सो अब हम लोग जा रहे हैं केक शॉप में और वहाँ देखते हैं हम लोग क्या कौन सा केक लेंगे और क्या पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं केक शॉप में। ये हम केक शॉप में आएंगे, हमारे मार्केट के पास ही एक म्यूआ मोर का शॉप है, वहाँ से बहुत अच्छे से केक मिल जाता है, बहुत टेस्टी केक रहता है। तो हम लोग आ गए केक शॉप में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि ये सब बहुत सारे लोगों का बर्थडे होता है। सो ये देखिए, ये इतना सारा केक है, लेकिन हम लोग का एक छोटा सा, मतलब क्या ईदी का जो हम लोग को ईदी मिला है उससे ही हम लोग अरे छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहते थे उसे। सो यहाँ से हम लोग अपने बजट के हिसाब से ही केक लेंगे क्योंकि ज़्यादा बजट था नहीं हम लोगों का। ईदी के ईदी जो मिला था उसी से हम लोग अरेंज करके कंट्रीब्यूट करके हम लोग ले रहे थे। सो ये देखिए, ये ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग खाए, चॉकलेट वगैरह ये पसंद नहीं आ रहा था, तो जोया को वो ब्लूबेरी पसंद आया था लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। सो फिर हमने ये रेड वेलवेट लिया है और गाइस सच में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर इसे टेस्ट करें। रेड वेलवेट बहुत ही क्रीमी रहता है और एक नया टेस्ट रहता है उसका, और खाकर एक दो ही बाइट खाइएगा ना, आपको उसी में आपका मन भर जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया था हम लोगों को। सो चलिए पैक करवाते हैं हम लोग केक। सो फाइनली हम लोग का डिसाइड हो गया है ये रेड वेलवेट केक। और यहाँ पे हम लोग भैया को कोई और नाम बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि ओवैस का जो निक नेम मीन्स किया, जो हम लोग उसे जिस नाम से हम लोग पुकारते हैं वो बहुत ही फ़नी नेम है, मैं नहीं बताऊँगी यहाँ पे, वरना वो ये जब ब्लॉग देखा तो बहुत गुस्सा होगा। सो हम लोग को बोलने में ख़राब लग रहा था तो इसलिए हमने उसका नाम नहीं बताया। अगर वो लिखाते तो सच्चे वो भैया भी बहुत हंसते और बोलते ये कैसा अजीब नाम है, तो इसलिए हमने नहीं बताया था। सब हम लोग केक पैक हो रहा है। सो चलिए अब चलते हैं, पेमेंट करना है। यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पर हम लोग पेमेंट करेंगे फिर देन हम लोग जाएंगे घर। ये जो केक देख रहे हैं ना सामने जो रखा है, ये केक तो मत पूछो, बहुत ही कॉमन केक है, सबके बर्थडे में ये, मेरे बर्थडे में तो बहुत बार ये केक आ चुका है, बहुत ही कॉमन केक है, हमने बहुत बार ये केक खाया है। सब अफोर्डेबल प्राइस में रहता है और बहुत सारे लोग उस केक को मतलब ख़रीदते हैं ताकि वो बजट में रहता है सबका। हम लोग अब हम आपको बताते हैं गाइस कि हम लोग ने कैसे प्लान किया था, हमारा क्या प्लान था। सो चलिए बताते हैं। एक्चुअली हाशिर तो ट्यूशन गया था, हम जोया निकल चुके थे, हम लोग ने बोला कि केक लेके हम लोग डायरेक्ट मामी के घर पे पहुँचेंगे। पहले एक मामी के घर पे हसन को कॉल किए कि ओवैस घर पे है, अगर है तो उसे दूसरे रूम में भेजना ताकि हम लोग अगर घर पे आए तो उसे पता ना चले। लेकिन हसन ने बोला कि नहीं, वो नाश्ता के लिए गया है बाहर। अब हम लोग को टेंशन हो गया कि हम लोग भी रास्ते में हैं, वो भी बाहर गया है, तो अगर रास्ते में मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोगों का सरप्राइज एक्सपॉइल हो जाएगा। सो हसन को बोले कि तू जितने जल्दी उसे कॉल कर, वो
पागल ओएस फ़ोन भी घर पे छोड़ के गया था। फिर बेचारा हसन बाहर निकला उसे ढूंढने के लिए, ताकि वो अपने बात में फंसा के रखे, वो घर नहीं जा सके, उससे पहले हम लोग घर पहुंच जाए। सो जब हसन को फ़ोन किए तो हसन बोला कि हसन रास्ते में मिल गया था तो उसे नहीं मिला था। तो फिर हमने हाशिर को फ़ोन किया, हाशिर बोले कि ओवैस भाई मेरे साथ है। तो हमने बोला ठीक है, ओवैस को अपने साथ ही रखना, जब तक हम लोग घर नहीं पहुँचेंगे हम लोग डेकोर कर लेंगे, उसके बाद जब कॉल करेंगे तब तुम आना। सो उसके बाद फिर वो आया, तब हम बहुत सरप्राइज हो गया। चलिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूं। एक्चुअली ओवैस बाहर गया हुआ है, तो हम लोग को डर था कि ऐसा नहीं वो रास्ता मिल जाए, हम लोग का सरप्राइज ख़राब हो जाए। सो इसलिए हम हसन को फ़ोन करके बोल दिया, ताकि वो उसको अपने बात में फंसा के रहे बाहर में, और हम लोग जल्दी से जाएंगे रूम डेकोर करेंगे। देखो क्या थोड़ा सिंपल से ही कुछ करना है, क्योंकि इतना कम टाइम में इतना कुछ नहीं हो पाएगा। मैं सही चल रही हूँ ना, सांस नहीं ले पा रही। सो गाइस चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं हम लोग का सरप्राइज प्लान सक्सेस हो पाता है कि नहीं। सोच रहे अब हम लोग घर आ चुके हैं। हम आकर सबसे पहले तस्सू को ये बोले कि तस्सू मेरा और जोया का स्लीपर छुपा देना, ताकि ओवैस आए तो उसे पता नहीं चले कि हम और जोया आए हैं, क्योंकि हाशिर तो उसके साथ था। सो उसके बाद ये देखिए हम लोग ये डेकोर कर रहे हैं, ये सारा। एक्चुअली एक मिस हो गया हम लोगों का ये कि बर्थडे हम लोग लाए हैं और हैप्पी लाना भूल गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में वो टैग मिला नहीं, हम लोग को लगा एक साथ ही रखा हुआ है। सो हैप्पी नहीं था, लेकिन बर्थडे था, कोई बात नहीं, वैसे हमेशा ही वो हैप्पी रहता है, तो बस बर्थडे लगा दिए। सो ये देखिए ये सारा रिकॉर्ड हो गया, चला गया, मैं आपको ओपन कर लिया है और ये टॉपर लगा रहे हैं हैप्पी बर्थडे का। माशाल्लाह केक देखने में बहुत ही अच्छा है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। सो अभी तक ओवैस आया नहीं है, एक्चुअली मैंने हाशिर को बोला था कि उसे वेट करके रख रहे, तो ये सारा कुछ अरेंज हो जाएगा उसके बाद ही आने के लिए। सो आके ये देखिए ये एगलेस केक है। एक्चुअली ओवैस को थोड़ा पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उसको पिंपल निकल जाता है, इसलिए हमने बोला कि चलो एगलेस केक लेंगे, ताकि कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम मैं एगलेस केक खा रही हूँ, क्योंकि इतना कौन देखता है केक खाने में एगलेस है या एक वाला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीपाली। ये देखिए हमारा भाई काम करके आ रहे, इधर आओ जल्दी। तुम किस लिए डरा है इसको, चेंज कर लो जल्दी। ये हमारा बर्थडे बॉय, जाओ जल्दी आके चेंज करो फास्ट। तुम्हारा है नीचे बिल्डिंग हमारे, हमको खा पूरा गाय खा रहे नहीं, ठीक है ठीक है, वो ये था बाबू खिला। अरे देखिए फाइनली केक का पार्टीशन हो गया है, इसके हिस्से में क्या क्या आएगा, आसान हो रही है। ठीक
गाइस फाइनली हमने जो उहैस के लिए एक छोटा सा बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखा था वो फाइनली सक्सेस हुआ और उहैस भी बहुत खुश था क्योंकि 14 मींस बर्थडे वाले दिन उसका सारा दिन बोर गया, वो फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर गया था, बाकी पूरे दिन घर पे ही था। सो ये जो हमने जो बर्थडे सरप्राइज दिया वो इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा कि वो दूसरे दिन लोग आके सरप्राइज देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो हम लोग ने बर्थडे से उसका सेलिब्रेट किया था वो ईद के दिन किया था और सारी कजन्स लोग थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा लगता है जब किसी और की खुशी में खुशी मिलती है हमें, और इंशाल्लाह अल्लाह हर इंसान को ये होना चाहिए कि दूसरे की खुशी में आप खुश हो तो अल्लाह आपके भी खुशी में अल्लाह बरकत देंगे। और हमेशा यही ट्राई करें कि हर लोगों को आसपास के जितने लोग हैं सबको खुश रखें। सो गाइज मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि घर पे थोड़ा काम वाम है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। सो मैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग भी डालूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।